फटाफट छील लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है छील। ये पापड़ का टुकड़ा उससे गिर गया है, वो मुझे दिखाने के लिए बुलाया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता ऑफिशियल 812। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हल्दी का हलवा। हल्दी का हलवा हम कैसे बनाते हैं, और मेरे ट्राइपॉड के पास मेरा बेटा आ गया है तो ये हिल उठ रहा है। ब्रेस नहीं करो बेटा प्लीज। ये देखिए इसमें है हल्दी जो अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसको अभी निकालती हूँ बर्तन में। पापड़ चाहिए आपको? अच्छा देंगे आपको। रुको, तो ये देखिए इतना सारा हल्दी है, ये करीब 1.25 केजी हल्दी है। इसी हल्दी से हम लोग हलवा बनाएंगे, तो इसके पहले इसको छिलना पड़ेगा। देखिए आज ही आया है सुबह में ये, तो पैकेट से भी निकालना भी है। तो चलिए पहले इसको हम प्रोसेस करते हैं, छिलने स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा? अच्छा ठीक है देते हैं। यहाँ देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, पापड़ निकाल रहा है। लुको देते हैं, ऐसा नहीं करो बेटा, कच्चा है बेटा, इसको फ्राई करना पड़ेगा। छोड़ो, रुको तो कर रहा है फ्राई, छोड़ दो। सुजू आ रही है? नहीं, आप ब्लैक वाला पापड़ बना रही, ब्लैक वाला ब्लैक नहीं है। हाँ टूट रहा है बेटा, छोड़ो देते हैं, रुको फटो। तो पहले मैं अपने बेटे को पापड़ फ्राई करके दे देती हूँ, उसके बाद ही हम बनाएंगे, नहीं तो वो बनाने बिल्कुल नहीं देगा। आपका साइकिल स्टार्ट हो गया? वेरी गुड। बस बेटा तैयार हो रहा है? नहीं हुआ है अभी, तैयार हो रहा है। फाइनली देखिए मेरे बेटे का पापड़। हाँ लो, किसमें खाओगे बेटा? ये लो ये खाओ। क्या हुआ, निकल गया? वैसे तोड़ के मत खाओ बेटा, गिरेगा नहीं, वैसे ऐसे तोड़ के नहीं खाना है। चलिए तो अब हमारी हल्दी को प्रोसेस करते हैं। मैंने उसको पापड़ दे दिया है फाइनली, तो पहले तो इसकी जाली से निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, बाहर से उठा के नहीं खाना है, ठीक है? आओ तो देखो, आओ। कहाँ बेटा, मम्मा के हाथ देखो ना, हल्दी लग गया है, मेरा बच्चा अभी ना कहाँ गिर गया। अच्छा वो कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है? अब अच्छे से खाओ, ठीक है बेटा? ये पापड़ का टुकड़ा उससे गिर गया है, वो मुझे दिखाने के लिए बुलाया था। तो फटाफट छील लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है छीलना, फिर इसको ग्राइंड करना अच्छे बारीक से, तो इतना ज्यादा टाइम लगता है ना हल्दी के हलवा बनाने में कि मतलब 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। और मैं हर साल 2 बार बनाती हूँ, मतलब सर्दी के मौसम में कम से कम 2 बार मैं हल्दी का हलवा बनाती हूँ। तो फाइनली मैंने छील लिया है, और ये देखिए इतना हल्दी और इतना ज्यादा छिलकर निकला है। तो अभी मैंने इसको बारीक चॉप करूंगी बिल्कुल, और तब इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। पहले अपना शूज पहनो, तो चलो शूज चलो पहनो बेटा, बहुत ठंडी है, पहनो तो, मम्मा को पकड़ो जाओ। तो पहले इसको धो ले रहे हैं, क्योंकि इसको छिलने से पहले मैंने धोया नहीं था, तो अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसको हम काटेंगे। तो देखिए मैंने फाइनली हल्दी काट लिया है, बहुत ही बारीक काटा है। ये देखिए इसकी थिकनेस है काफी पतली पतली, बाकी ये ऐसा काटा है मैंने, सर्कल में काट दिया है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड करते हैं। क्या बेटा? तो इस जार में डालो, तो जार डाल लें तो बेटा इसमें। आपको सुसु आ रही है? सुसु आ रही है? करना है, आपकी मदद करना है मुझे। ओके बेटा, मेरा बच्चा मेरी हेल्प करने आ गया, थैंक यू सोना। मैं आपको ना ऐसे ग्राइंड करना सिखा दूं, तुमको ग्राइंड करना ना आता है, तुमको। अच्छा आप सिखाओगे मुझे? ठीक है, सिखाऊंगा। ओके बेटा सिखा देना, ठीक है। चलिए तो ये सेट हो गया है, अब हम करेंगे ग्राइंड। फाइन एकदम ग्राइंड हो गया ना। अच्छा मिक्सर होगा तो बहुत ही जल्दी ग्राइंड होगा, अगर आपका मिक्सर का पावर कम है ना
तो बहुत टाइम भी लेता है और साथ ही दरदरा होता है। ये बहुत ही फाइन बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है पहली बार मेरा इस मिक्सर से। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों तेल। ये देखिए इतना सरसों तेल है और ये जब गर्म हो जाएगा ना तो फिर इसमें हम डालेंगे घी भी, नहीं तो इसका जो अपना एक टेस्ट होता है ना, इसका जो झास होता है तेल का वो जाएगा नहीं। तो पहले इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें घी भी डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। अब इसको ना लगातार ऐसे ही भूनना पड़ेगा जब तक कि पूरा तेल छोड़ ना दे और ये गोला बनना शुरू हो ना जाए। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और तब तक देखिए ये मैंने ना बादाम, आपको दिख रहा है इतने सारे बादाम मैंने छिलका उतार के लिया हुआ है। तो बहुत ही इजी ट्रिक से मैंने इसको छीला है सूखे बादाम को। और इतना सारा किशमिश है मेरा यहाँ पे, ये देखिए किशमिश मैंने सबको धो लिया है। और यहाँ पे है मेरा नारियल जो अभी मैं कट कर रही हूँ, पूरी तरह हुआ नहीं है चॉपिंग। और ये रहा मेरा काजू, इसको भी मैंने धो लिया है। तो ये सब डालेंगे। बाकी बहुत सारे लोग छुहारा डालते हैं, मैं छुहारा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें ना कीड़ा हमेशा निकल जाता है। अगर एक में भी निकल गया तो सबको इतना देख देख के बनाना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत हेक्टिक लगता है, इसलिए मैं उसको यूज ही नहीं करती हूँ। उसके लिए मैं खजूर यूज कर लेती हूँ, फिलहाल मेरे पास वो है नहीं। तो बस इतना ही से बनाएंगे हम। अभी थोड़ा सा ये फ्राई हो गया है, पूरी तरह नहीं हुआ है तो इसमें मैंने सिर्फ तेल डाला था ना, तो अभी हम डालेंगे इसमें घी। वैसे तो मतलब जनरली लोग पहले ही डाल देते हैं दोनों घी तेल, लेकिन मैं अभी डालूंगी किससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। आप लोग डालेंगे थे। देखिए मैंने इतना घी डाला है और एज पर रिक्वायरमेंट जरूर अगर मुझे लगेगा फिर से डालने हैं तो फिर से मैं डालूंगी। चलो पहले इसका मिक्स कर लेते हैं अभी पूरी तरीके से। हट जाओ बेटा। देखिए तो अब मेरा फाइनली जो ये हल्दी है वो फ्राई हो चुका है, ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है, कलर भी चेंज चुका है। अब चला रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, ये देखिए। और इसको भूनते हुए मुझे करीब 1.5 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट, ये देखिए। अब ये पूरा गोला बन रहा है, ऐसे से हम कर रहे हैं तो ये देखिए बिखर नहीं रहा है आपस में। चलिए तो ये हो गया है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट देखिए इतना सारा हो गया है, मैंने सबको बारीक काट लिया है, जो बादाम काजू और नारियल था ना सबको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इसको हम इसमें मिला देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इधर भी थोड़ा सा बचा हुआ जो मेरा बेटा लेके गया था खाया भी नहीं, तो मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने पहले वो फ्राई नहीं किया था ना तेल में या फिर घी में, तो इसलिए अभी डाल के हम सबको अच्छे से भूनेंगे। ड्राई फ्रूट भी भून गया है और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो रहा है। हम डालेंगे गुड़, गुड़ को काट लिया है, अब हम इसमें डालेंगे क्योंकि हल्दी कड़वा होता है ना, तो इसमें गुड़ ज्यादा ही लगेगा, थोड़ा ज्यादा मीठा होगा तो सही रहेगा। और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये गुड़ डालने के बाद ना ये फिर से हलवा में पानी छोड़ दिया है गुड़ में, तो अब बस इसको हम गुड़ डाल के ऐसे भूनते रहेंगे तो गुड़ भी पिघल जाएगा। और कुछ लोग इसमें ना पानी भी डालते हैं या फिर कुछ लोग दूध डालते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं इसको बिल्कुल ड्राई ही बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, ये खराब नहीं होगा जल्दी। और दूध या पानी डालने से ना खराब भी होने लगता है क्योंकि इसमें पानी चला गया ना, इसलिए मेरी मम्मी भी ना ऐसे ही बनाती थी बिना पानी डाले। और जब पहले तो फ्रिज भी नहीं था तो ऐसे चल जाता था ठंडी में, 3-4-5 दिन तो आराम से रह जाता था, तो इसलिए मैं भी नहीं डाल के बनाऊंगी। मैं इसके पहले जितनी बार भी बनाया मैंने बिना पानी डाले, पानी या दूध डालते थे और फैलेगा, लेकिन ऐसे भी तो हलवा ये थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वैसे भी अच्छा खासा घी चला गया है तो, और अच्छा खासा तेल है इसमें तो जरूरत नहीं लगता है मुझे पानी की। देखिए अभी अच्छी तरह भुन गया, देखिए पूरा तेल ये सेपरेट हो रहा है, घी तेल जो भी है ना देखिए यहाँ पे,
ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पूरा ये सेपरेट हो रहा है घी तेल। हाँ बेटा ये देखिए, क्या बेटा मेरा बच्चा बहुत देर से परेशान रहा है, देखिए कैसे कर रहा है ये देखिए। क्या कहाँ लेके जाना चाहते हो? पीना है बिट्टू जी, मेरा अच्छा बच्चा है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा शोर शोर बच्चा है। बस बेटा चल रहा है रूम में, हो गया। चलिए तो मेरा हलवा बनके बेटा हलवा बनके हो गया तैयार। आप लोग भी इस तरीके से हलवा बनाइए, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी हो सकता है पसंद है। बार बार ये ना चिपक चिपक के गिरते जा रहा है हलवा इससे, और एकदम से ये ना इसे बिल्कुल भी एक बूंद भी अब पानी नहीं बचा है ना, तो ये हलवा सब 10 दिन क्या मुझे लगता है 15 दिन तक भी खराब नहीं होगा। क्योंकि देखिए तेल इसमें इतना हो गया है कि पूरा घी तेल सेपरेट हो रहा है भूनने के बाद। मिठास मैंने अंदाजे से डाला है तो वो भी सही है, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। तो मम्मा ने क्या बनाया? अरे वाह, हाँ दिखा दो बेटा, बताओ मम्मा क्या बना रही है। मम्मा हलवा बना, हलवा बनाने की तैयारी हो गई। देखिए मम्मा दादू आएंगे तो हलवा खा जाएंगे, तो और हम लोग और हलवा आएंगे मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मुझे दुदू बने मेरा बच्चा। चलिए तो देखिए फाइनल लुक ऑफ माय हलवा ये हो गया है तैयार। काला काला सा लगता है ये हल्दी का हलवा, गुड़ डालने से। बाकी तो हम टेस्ट करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि कैसा बना है।